कैची धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अंदर वीडियो और फोटो खींचना बना है, तो इसलिए हम अंदर फ़ोन लेके जाएंगे नहीं। और फिलहाल अभी हम जाते अंदर और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और फिर हम बाहर आ जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना रूप सिंह? हनुमान चालीसा पढ़ के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज बहुत दिनों में ब्लॉग डाल रहा हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है क्योंकि ऐसे ही हमारा काम है। तो कभी कभी हम वीडियो बना रहे हैं तो डाल रहे हैं, पर हम डालेंगे, तीन चार दिन में ब्लॉग जरूर डालेंगे। तो आप बन रही है हमारे ब्लॉग के साथ। और ये अभी हमारे साथ आयुष आए हैं। हेलो आयुष। हेलो गाइस, कैसे हो आयुष आप? ठीक, बढ़िया। तो आज की छुट्टी है, एग्जाम चल रहे होंगे तेरे ना? चल कोई तू आते रहा कर यार। और कुछ होता है, कहाँ है वो सिवाय? सिवाय अंदर। तो हम तो कहीं जा रहे हैं यार, चल रहा है? तो दोस्तों हम कहीं जा रहे हैं अभी, तो हम आपको वहीं जाके दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। आप बन रही है हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में और हम आपको दिखाते हैं। आयुष मिलते हैं शाम को आपको, ठीक है? तब तक बाय। बाकी हम रेडी हो गए, रोड में घूम रहे हैं अभी क्योंकि रूपा आने वाली है, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मैंने कॉल किया था, वो बोल रहे हैं मंडी के आसपास आ गए हैं, तो उनका वेट करते हैं फिर हम निकलते हैं। आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अब बन रही है हमारे साथ ऐसी। मौसम तो आज का बढ़िया हो रहा है और बिल्कुल धूप लगी हुई है तेज से, और ऐसी कोई बारिश होने की संभावना नहीं है, बढ़िया है। थोड़ी गर्मी भी हो रही है, बाकी देखते हैं आपको हम आगे और दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार कराया, कम से कम एक घंटे इंतज़ार कराने के बाद ये आ गए हैं। अब आने के बाद निकलेंगे। कुछ कहोगे तुम इतने लेट मारे तो? अरे यार क्या बोलूं, गाड़ी का फॉल्ट था वो, मैं तो गिरते गिरते बची हूँ। चलो कोई नहीं, हम निकलते हैं, आपको आगे मिलते हैं हम। ओके। शीतला मंदिर थोड़ा सा जब ऊपर को आएंगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का शोरूम। अरे भैया सिंगल ना। अच्छा, तो पहला जो
क्लास द्वार, छोटे क्लास द्वार आगे आपको मोड़ पर मिलेगा। अच्छा, ये इसका व्यू, नीम करौली बाबा का धाम। देख सकते हैं आप, भीड़ काफ़ी है इधर पे और जाम तो बाबा हमेशा का ही है यहाँ पे। ये है नीम करौली बाबा का धाम। कैची धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अंदर वीडियो और फोटो खींचने बना है तो इसलिए हम अंदर फ़ोन लेके जाएंगे नहीं, और फिलहाल अभी हम जाते हैं अंदर और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और फिर हम बाहर आ जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना रूप सिंह, हनुमान चालीसा पढ़ के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फाइनली हमने अभी दर्शन कर चुके हैं, दर्शन करने वाला टाइम तो काफ़ी ना, चलते ना घोड़ाखाल। डेढ़ बज रहा है, चलते घोड़ाखाल चलते हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, 3-4 किलोमीटर करीब दूर है यहाँ से, 7 मतलब 8 किलो के समथिंग है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं घोड़ाखाल के लिए, आपको घोड़ाखाल ही मिलते हैं। हम कैची धाम आए हुए थे, जैसे कि हम लोग आपको दिखाया, और हम यहाँ पर बाबा नीम करौली के दर्शन किए और हनुमान चालीसा पढ़ा और मन को काफ़ी शांति मिली हमें, और दर्शन करते थे, प्यारी सी धूप आने लग गई। हाँ, और फिर हम अब निकल रहे हैं घोड़ाखाल गोलजू देवी मंदिर में, और आपको वहीं मिलते हैं, ठीक है। ठीक, मिलते हैं गोलजू के धाम में, तब तक और निकलते हैं कैची के धाम से। ओके घोड़ाखाल मिलते हैं आपको। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं घोड़ाखाल और अब हम प्रसाद लेने जा रहे हैं, तो प्रसाद लेते हैं फिर हम निकलते हैं ऊपर मंदिर में, फिर हम आपको दिखाते हैं। तब तो हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ का बैकग्राउंड का व्यू आ रहा है वो आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये हम निकल चुके हैं यहाँ पर पैदल यात्रा के लिए,
आप देखिए बहुत सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर, और सीढ़िया ही सीढ़ियाँ हैं। सिंह कैसा लगा तुम्हें घोड़ाखाल पहुँच के? बहुत अच्छा। घंटी तो जाओ, पहुँच पा रहे हो घंटी तक? इतनी छोटी भी नहीं हो इतनी छोटी नहीं है, तो आप बने रहिए। हम अभी इस मंदिर में, वो हुआ था उस मूवी की शूटिंग हुई थी, वो कौन सी मूवी? विवाह मूवी का जो सीन है, तो हाँ। मंदिर वाला इसी का तो था शायद। अच्छा, और देखो ये बड़ा वाला मंदिर का बाबा, देखो ये इतनी घंटे लगी है चढ़ी हुई है, ये मतलब पूरा ये पुल पूरा घंटियों से भरा पड़ा है। और सिर्फ एक ही पुल नहीं है, बहुत सारे पुल मिल जाएंगे आपको जो पूरी घंटे से भरा पड़ा है। एक घंटी थोड़ी वो हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मन को शांति मिल रही है हमें। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, हम आपको और कुछ दिखाते ऊपर जाके। अभी हम चल रहे हैं। रूप सिंह, क्या मन्नत मांग रहे हो? कोई बात नहीं, शॉर्ट वाले लेंगे। अब यहाँ का व्यू, घंटी घंटी बहुत ज़्यादा, और जहाँ देखो वहाँ घंटी। लिए हमने घोड़ाखाल मंदिर के भी दर्शन कर दिए हैं। रूप सिंह, हवा चल रही ना बहुत तेज, और दर्शन हमारे हो चुके हैं। हमने अभी अपना तो बिल्कुल पैक पैक आके होके आए थे, मेरे को बताया भी नहीं। अरे मैं तो डिक्की में, क्या मैं डिक्की में, मेरा जैकेट रहता है यार। बस अब हमारे दर्शन भी हो चुके हैं, हम यहाँ से निकलते हैं दोबारा हल्द्वानी के लिए, और समय भी लगभग 3 बजने वाला होगा। कितना बजे? 3 बज गए, बज गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बजने वाला होगा। और फिर हम आपको मिलते हैं 2:30 बजे तो हम पहुँचे थे यहाँ। हाँ तो बस हो गया है, बस बहुत सारी यहाँ घंटियाँ भी हैं, बहुत घंटियाँ ही घंटियाँ हमें बजाए हैं, काफ़ी हमने वीडियोज़ बनाए, सब निकल रहे हैं बस हल्द्वानी के लिए। काफ़ी ठंड भी यहाँ पर, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। मज़े पा रहे हैं, हमने कैची धाम के दर्शन भी कर लिए, और क्या कहते हैं घोड़ाखाल के दर्शन कर लिए हैं, बस अब हम निकलते हैं। हल्द्वानी पहुँच चुके हैं। हल्द्वानी पहुँचने के बाद मैं रूप सिंह को छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये खुद जा रहे हैं अब स्कूटी से। पर तुम चले जाओगे ना? गाड़ी लाई हूँ तो चले ही जाऊँगी फिर। गाड़ी लाए तो चले जाओगे? और कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र बहुत बहुत बढ़िया रहा, इन साल पूरा दिन पूरा धार्मिक दिन गया है मेरा। अच्छी साली फीलिंग आ रही है भाई, पूरे मेरे नवरात्रि चल रहे, तो बहुत सही रहा। चलो फिर मिलते हैं कभी हल्द्वानी में। बाय बाय।